सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। तो दोस्तों मेरा नाम है अहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ Redmi Note 5 फ़ोन के बारे में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इसे 2 मंथ हो गए हैं या शायद उससे ज़्यादा वक्त हो गया हो, मगर हमें इसमें अपडेट देखने को नहीं मिली, जो कि 10.0.4.0 अपडेट थी। उसके बाद हमें अपडेट देखने को नहीं मिली, हालांकि हमारे लिए एक कन्फर्म तो की गई थी, जो कि 10.0.6.0 अपडेट थी, वो हमें नहीं मिली, वो सस्पेंड कर दी गई थी। तो उसके हमें अपडेट देखने को नहीं मिली है कि हमें इसमें अब कौन सी डायरेक्ट अपडेट नहीं मिलने वाली है। और ये जो आज की वीडियो है, ये काफ़ी धमाकेदार आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए एक ऐसी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि आप जब सुनेंगे तो आप खुद ही मतलब शॉक हो जाएंगे कि भाई हमें ये मिल रही है अपडेट। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और साथ ही साथ आपको इसमें पोर्ट्रेट मोड क्या मिलेगा, क्या हमें ड्यूल 4G मिलेगा और इसमें कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये सब कुछ कंफर्म करने वाला हूँ। और ये अपडेट हमें कब तक देखने को मिलेगी स्टेबल में, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को एक लाइक मारना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूं, जो कि है MIUI 2.2.0.0 है, मतलब कि 10.2.2.0। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि जब हमें लास्ट टाइम अपडेट मिली जो वो थी 10.0.4.0, उसके बाद हमें डायरेक्ट जो 10.2 की सीरीज़ है, मतलब कि MIUI 10 की, उसमें हमें अपडेट देखने को मिल रही है। और ये हमारे लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि डायरेक्ट हम एक मतलब लंबा कदम हमारे लिए उठाया गया है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है और ये हमें स्टेबल में भी मिलेगी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बता दूँ, जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ वो चाइना का है, मतलब कि ये चाइना में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गई और ये 1.4 GB की है और ये उनको स्टेबल में मिली है, तो इस दौरान ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको इनके बारे में ये जो है इनके बारे में आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ इसके बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यार मैं आपको बताऊँ कि हम ये जो अपडेट है ये हमें देखने को तो मिलेगी, काफ़ी जल्द मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट भी शो कर रहा हूँ, जो कि Redmi 5 Plus का है, जो आप जानते होंगे कि चाइना में Redmi Note 5 को Redmi 5 Plus कहा जाता है, आप ये सभी जानते होंगे। और इसमें 10.2.2.0 की जो भी स्टेबल अपडेट है वो आ चुकी है और उसमें हमें जो मतलब अपडेट होता है सिक्योरिटी लेवल मतलब सिक्योरिटी पैचेज होते हैं वो हमें लेटेस्ट देखने को मिलेंगे। और कैमरा में जो हमें अपडेट देखने को मिलेगी वो के मतलब इसमें फिक्स किए गए हैं, जो कि मैं फिक्स ही आए हैं। और साथ ही साथ इसमें हमें इसमें अपडेटर में कुछ नया मतलब के शॉर्टकट ऑप्शन देखने को मिला है और उसमें मतलब कि ये जो फाइल मैनेजर है इसमें हमें जो भी पेज वगैरह थे वो इनकरेक्टली से मतलब जो भी पेज है वो सही से लोड नहीं होते थे, तो इस दौरान वो डिस्प्ले नहीं होते थे, तो वो अब हमारे लिए डिस्प्ले सही से होंगे। ये तो अपडेट अलग सी है, मैं आपको बताता चलूँ उसके साथ फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अब मैं आपको बताता चलूँ पोर्ट्रेट मोड के बारे में। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे हमें काफ़ी एक अच्छा फीचर है कि हमें बैक कैमरा में ये फीचर देखने को मिलेगा या नहीं, आप सभी के जो भी दिमाग में है ये क्वेश्चन आता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि Xiaomi हमें ये कह रही है कि भाई आपको जो कि Android 8.1 Oreo जो कि हमारे Redmi Note 5 फ़ोन में मतलब कि हालांकि इस वक्त चल रहा है, तो उनका कहना ये है कि भाई हमें जो भी पोर्ट्रेट मोड है, बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा, ये हमें देखने को इसमें नहीं मिलने वाला अभी तक। तो मतलब एंड्रॉयड 8.1 में हमें अभी ये जो है Redmi Note 5 जो डिवाइस है इसमें एंड्रॉयड 8.1 की बेस पर हमें ये नहीं देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, पोर्ट्रेट मोड जब हमें इसमें नहीं देखने को मिलेगा तो ड्यूल 4G का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें ये देखने को मिलेगा। और उसके साथ फ्रेंड, मैं आपको बताता चलूँ कि हमें इसमें ये जो अपडेट है इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ जहाँ तक मतलब कंफर्म है कि आपको ये फीचर देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर हमें नेविगेशन बटन न्यू देखने को मिल सकते हैं कि मतलब उनमें कुछ अपग्रेड वगैरह हो। और साथ ही साथ हमें इसमें बैटरी में जो कि मतलब हमें परसेंटेज पहले बीच में थी उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो। और काफ़ी यूज़र्स में ये हो रहा है कि भाई एक तो भाई काफ़ी यूज़र्स ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी जो जब हमें हैंड फ्री वगैरह कोई भी अटैच मतलब प्लग करते हैं अपने फ़ोन में तो वो आइकन का कुछ मसला बताता है, तो इसमें वो फिक्स किया जाएगा, उससे भी एक तरह से चेंजेस लाए जाएंगे। और सबसे बड़ा मसला MIUI 10 में ये है कि भाई उसकी बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन करता है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई फिक्सेस आएगा इस अपडेट में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि हमें भाई ये 10.2 की सीधा हमें उस कदम पर चढ़ाया जा रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है।
फ्रेंड्स ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और जब ये न्यूज़ हमारे लिए मतलब इंडिया में ये लॉन्च की जाएगी मतलब रिलीज़ होगी, तो मैं इसके लिए आपका आपके लिए फुल रिव्यू लेकर आऊँगा जो कि रेडमी नोट 5 में होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।